कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक बेहतरीन सा पेपर बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह मैंने आपको गणित में बताया था, विज्ञान ने बताया, पूरे का पूरा फंसा है, उसी तरह आपका सोशल साइंस में भी पूरा फंसेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो किस देश में फैली थी? वो अफ्रीका में फैली थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र का। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी? 14.36%। बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना, जो चीजें बता रहा हूं उन्हीं में से फंसेगी 100% श्योर यहां से, ठीक है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम की जो सामुदायिक में सरकार चुनाव का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है, औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। भारत में औसतन एक स्त्री और एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करती है। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1790 में हुई थी। चलिए इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे ये, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हिंदू स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य का जाएगा आपका महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना का जाएगा द्वितीय क्षेत्र प्रयागराज। प्रयागराज का जाएगा श्रृंगवेरपुर। महामंदी 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध कॉर्नला के द्वारा लगाया गया था। दूसरा गोल मेज सम्मेलन इसका आपका जाएगा 1931। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से, ठीक है। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। जे एन टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया? जमशेदपुर में। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था उसका से बेहतर है, एक बिंदु लिखना है आपको, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार हुई? त्रिस्तरीय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस देश में किया गया? 1953 में किया गया था। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, हो गया। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र का बिल्कुल एकदम राइट है। बैंक केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराए, गलत। 5 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए थे, बिल्कुल सत्य बात है ये, सत्य सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं, फटाफट कर लो, इन्हीं में से फंस रहा पूरा पेपर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। संसाधन से आपका क्या से या हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है? बांगर क्या है, हो गया। इसके बाद में भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? गहन जीविका कृषि की विशेषताएं बतानी है। सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में अंतर, भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सड़क परिवहन की विशेषताएं लिखनी है, पाइपलाइन परिवहन का महत्व लिखना है, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ, रेल परिवहन के हानि या नुकसान बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ पर आयात शुल्क से क्या आशय है? 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। जमशेद जी भैया कौन थे? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक और कैसे और कैसे कब विकसित हुई? मुद्रण ने वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विचारों से जनता को किस प्रकार अवगत कराया था? मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखने, गुटेनबर्ग प्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अल्प बेरोजगारी क्या है, अंतिम उत्पादन से क्या से कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता, वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन आपको करना है। यहां पर बात करें वन